अरमान मलिक जो है इन्होंने एक जिद पकड़ ली है, और अरमान मलिक का बिहेवियर जो है ना थोड़ा सा अजीब हो गया। जब से पायल बाहर गई है तब से थोड़ा और वो अजीब फ्रस्ट्रेटेड सा बिहेव कर रहे हैं। तो लाइव फीड के अपडेट के साथ हाँ मैं आ गई हूँ। वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, इंस्टाग्राम पर एक्स पे मुझे फॉलो कर लो। अब अरमान मलिक सुबह से जो है वो पीछे पड़े हुए हैं विशाल के, सही, और विशाल को काफी पोक कर रहे हैं, काफी उसके पीछे पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो उन्होंने दोबारा न्यू स्टार्ट किया कच्चा बादाम के बाद, वो फाइट है रोटी को लेके। मतलब इस घर में जिस दिन से ये शो स्टार्ट हुआ है मैं सिर्फ एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि खाने पे ही लड़ते हैं। मतलब इट्स वेरी वियर्ड कि अच्छे खासे यूट्यूबर्स हैं, पैसा है इनके पास, लेकिन खाने पे इनकी लड़ाई बार बार हो रही है। तो अब इनकी लड़ाई जो है वो इस बात पर हुई है कि विशाल ही रोटी बनाएगा, मैं रोटी ही खाऊंगा, मैं कुछ और नहीं खाऊंगा, मैंने चावल एक चम्मच ले लिया है, खा लिया है उसकी रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन मैं रोटी ही खाऊंगा और रोटी विशाल ही बनाएगा। जबकि अगर आप लोगों को याद हो तो 2 दिन से ये विशाल की रोटी पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन भी उठा रहे कि रोटी कच्ची है, ऐसी है, वैसी है, लेकिन इनको रोटी विशाल के हाथ से ही खानी है। और उन्होंने ये बोला कि अगर बिग बॉस ने इससे काम नहीं कराया तो फिर उसके बाद मैं भी अपने वॉशरूम की ड्यूटी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अरमान मलिक क्लियरली ही इज यू नो लाइक लुकिंग फॉर फाइट्स, वो चाह रहे कि कुछ ऐसा झगड़ा हो, कुछ मुद्दा बने। ऐसा लग रहा है जैसे पायल की वजह से वो रुके हुए थे, पायल के जाते ही उनका जो है अंदर एक नया जो है वो एक चीज आ गई है, नया रूप आ गया है, और आहिस्ता आहिस्ता अरमान मलिक खुलते जा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, बाय।